ये जो आज आप लोग आए हैं यहाँ पे, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या मनुवाद को है उसका एक छोटा सा उदाहरण है। और ये छोटा सा उदाहरण ऐसा है जो मनुवाद की जड़ और बुनियाद को खोखला कर सकता है। दो महिलाएं जो मेरे दोनों तरफ खड़ी हैं, नवदीप कौर और डॉक्टर रितु सिंह, इनका कसूर क्या है? सबसे बड़ा इनका कसूर ये है कि इनको देखकर, एक तो ये एससी कम्युनिटी से आती हैं, दूसरे ये महिलाएं हैं, और इनको देख के मनुवादी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, झूठा इंटेलिजेंट बताना चाहते हैं, कैपेबल बताना चाहते हैं, इनको देख के उन्हें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये है इनकी सबसे बड़ी गलती और ये है हमारी सबसे बड़ी जो एक पॉइंट है जिसको हमें हाईलाइट करना और समझना सबसे ज़रूरी है। जो डॉक्टर रितु सिंह से इनकी जो प्रिंसिपल हैं, क्या नाम है, सविता रॉय, प्रॉब्लम सिर्फ एक है, ये उनसे ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोलती हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा इस उम्र में अपना सब्जेक्ट जानती हैं, उनसे ज़्यादा ये कैपेबल हैं, ये बुनियादी तौर पे परेशानी है उनको। और दूसरी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इनके वकीलों ने जो केस डाला शुरू में, और मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है कि इनको SC ST एक्ट जो है उसके बारे में खुद नॉलेज नहीं थी कि कानून क्या है। जो हमारे समाज के लोग, जो SC ST समाज के लोग हैं, उन्हें खुद ये नहीं पता लगता कि उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, जो उनके साथ काम हो रहे हैं वो SC ST एक्ट में गुनाह है, अपराध हैं। तो ना इनके वकीलों ने बताया इन्हें, तो ये सब चीज़ें जब इतनी पढ़ी लिखी महिला को समझ में नहीं आती, उस हिसाब से केस डाला जो हाई कोर्ट की, जब तक मैं इनका वकील नहीं था, जो हाई कोर्ट में केस डाला पहला, उसको डिसमिस करने का वजह क्या थी, टेक्निकल वजह। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करें जब ही हम सच्चाई सामने ला पाएंगे, सिर्फ एक वजह से कि प्रिंसिपल को पर्सनल कैपेसिटी में इन्होंने रिस्पॉन्डेंट नहीं बनाया, इस वजह से इस टेक्निकलिटी पे इनकी पहली रिट डिसमिस हुई और उसके बाद अपील भी इसी वजह से डिसमिस हो गई जो मैंने आर्ग्यू की। मगर मैंने इनका केस जब पढ़ा तो और इनकी बात सुनी तो मैंने इनसे बोला, ये आपने सबसे पहले इसकी FIR क्यों नहीं कराई? आपके साथ तो पहले दिन से वो ये कह रही है कि तुम कपड़े किस तरह के पहनती हो, ये तरीका नहीं है शेड्यूल कास्ट लोगों को ये कपड़े पहनने का, और आप किस स्टाइल में रहती हो, ये तरीका नहीं है। ये सारे इनके पास सबूत हैं इस बात के, यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद इन्होंने खुद बताया आपको कि इनके स्टूडेंट्स ने इनके बारे में इतनी तारीफ़ें लिख रखी हैं जिनके सबूत इनके पास मौजूद हैं, तो उसको नकारने के लिए झूठे दस्तावेज फोर्ज किए प्रिंसिपल ने और उनके साथियों ने, जो लेक्चरर्स थी उनकी, उन्होंने रिकॉर्ड जो है फोर्ज किए, रिकॉर्ड्स को तोड़ मरोड़ के कोर्ट में पेश किया, और जब किसी से काम नहीं चला तो झूठे स्टूडेंट्स के नाम से बगैर सिग्नेचर के, बगैर किसी स्टूडेंट का नाम, जिसमें कंप्लेनेंट का नाम ही कोई नहीं है, वो एक झूठी कंप्लेंट खुद लिख के रिकॉर्ड पे लाए। ये सब बड़े बड़े अपराध हैं जो प्रिंसिपल साहिबा, जो लोगों को ज्ञान देती हैं अच्छाई और समझदारी का स्टूडेंट्स को, वो इस प्रकार के क्रिमिनल अपराधों में लिप्त हैं। ये सभी SC ST एक्ट में भी गुनाह हैं, अपराध हैं। झूठे दस्तावेज कोर्ट में पेश करना अपने आप में एक बड़ा अपराध है, ये भी अपराध उन्होंने किया है। ये बातें इनको के SC ST होने की वजह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यदि ये बात मैं कहूँ तो शायद गलत होगी, ये बात ये खुद कहें तो शायद गलत होगी, इनके साथ जितने लोग खड़े हैं वो ये बात को कहें तब भी गलत हो सकती है। लेकिन इनकी चेयरमैन, जो मैनेजिंग कमेटी की दौलत राम कॉलेज की चेयरमैन है, उन्होंने ये बात रिटर्न में दी है कि इनके साथ इसलिए प्रताड़ना हो रही है, ये UGC को लिखी है उन्होंने और वाइस चांसलर को लिखी है कि इनके साथ इसलिए प्रताड़ना हो रही है, उन्होंने लिखा कि इनको नहीं हटाया जाना चाहिए और इनको रखा जाना चाहिए, और इनके साथ इसलिए प्रताड़ना हो रही है, इनके साथ इसलिए ज्यादती हो रही है, कोई और इनका कसूर नहीं है कि ये शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती हैं। ये फाइंडिंग जो उस कॉलेज की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, चेयरमैन ने ये बात अपनी ऑफिशियल मीटिंग करके और ये फाइंडिंग दी है। आप बताइए किसी कोर्ट को, किसी अदालत को, किसी इंसान को इस बात पे शक होना चाहिए? तो ये है इस बात की सच्चाई। फिर उसके बाद ये गई अलग अलग जगह पे, शेड्यूल कास्ट कमीशन में गई, क्या हुआ इनका,
ये पार्लियामेंट्री कमेटी में भी गई, वहाँ से भी इन्हें न्याय नहीं मिला। क्या कहा गया कि हम इंडिविजुअल केस नहीं लेते। कलेक्टिव केस की हालत देश में ये है कि किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, अभी बता रही थी ये, और हम सब जानते हैं कि इतनी सारी सीटें खाली पड़ी हैं, रोज़ प्रताड़ना हो रही है, एक केस में सज़ा नहीं होती है, रोज़ धमकाया जाता है, रोज़ रेप्स हो रहे हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ शेड्यूल ट्राइब। ये तो कलेक्टिव पार्लियामेंट्री कमेटी का काम है, इंडिविजुअल काम हम नहीं करते। इंडिविजुअल करते नहीं, कलेक्टिव हो नहीं रहा उनसे, तो किस लिए बैठे हैं। ये है हमारी समाज की, हमारे सिस्टम की कमी। डॉक्टर रितु सिंह का केस इनका अकेला केस नहीं है, ये मिसाल बनेगा कि इस तरीके से शेड्यूल कास्ट महिला के साथ जो ब्रिलियंट है, जो किसी भी अपने समकालीन और समकक्षीय टीचर से अपने फील्ड में ज़्यादा अच्छी है, उसको किस तरीके से एकलव्य की तरह उसका अंगूठा काटा जाता है। ये आज की एकलव्य हैं जिनको पकड़ के उनका अंगूठा काटने की नहीं, उनकी हाथ और गर्दन काटने की कोशिश ये मनुवादी समाज कर रहा है। इसलिए हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आप सुनिए कि FIR, आप सब लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को जो प्रदर्शन किया था, जो सरकार को दिखाया था, सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ा था और अपनी पहली जजमेंट का क्रिटिसिज्म करना पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त, और 18A सेक्शन आया था। इनके लिए 18A का पुलिस ने इस्तेमाल नहीं किया, FIR नहीं की, हम अदालत में गए। अदालत में जज साहिबा ने भी, और मुझे इस बात में कोई कहने में शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, एक गैर कानूनी ऑर्डर पास किया जो नहीं करना चाहिए था, और ये क्रिटिसिज्म है उसका, और मैं उसका खमियाजा भुगतने का लिए तैयार हूँ। वो जजमेंट एक ऐसी जजमेंट थी कि जो इनकी FIR नहीं करने की जजमेंट है, कि उससे बेकार इल्लीगल जजमेंट कोई नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है कि हमें जो जज साहिबान हैं उनके खिलाफ़ भी सेक्शन 4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो कोई इससे ऊपर नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की बेईमानी जिस तरीके से जजमेंट्स में नज़र आती है वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। उसके लिए ज़रूरत हमारी है, हमारे लोग कोर्ट के ऊपर विश्वास करते हैं बहुत ज़्यादा, करना चाहिए विश्वास, लेकिन कोर्ट जो है, हमारे 4 सुप्रीम कोर्ट के जज सड़क पर आके कह चुके हैं हमारी मदद करो। ये जो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है जुडिशल सिस्टम भी, वो खुद अपने आप में इतना शर्मिंदा है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जजेस आके कह चुके हैं कि पब्लिक हमारी मदद करे। तो कोर्ट से हमें उम्मीद करनी चाहिए मुश्किल से 10%, जो हमारा दूसरा संवैधानिक रास्ता है पीसफुल प्रोटेस्ट, वो हमें 90% कामयाबी दिलाएगा। कोर्ट भी जब ही फैसले करेंगे, जब उन्हें पता रहेगा ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि लोगों को ये फैसले हमारे बुरे लगेंगे, अगर हम अन्याय करेंगे तो लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे, ओपन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, गलत जजमेंट्स की क्रिटिसिज्म करनी पड़ेगी, जो तोड़ मरोड़ के जजमेंट्स की जाती हैं किसी भी हालत में, SC ST माइनॉरिटी OBC और महिलाओं के खिलाफ जजमेंट हर पास की जाती है, उसके खिलाफ सड़कों पे आना पड़ेगा। और डॉक्टर रितु सिंह के लिए हम सड़कों पे नहीं आए, तो डॉक्टर रितु सिंह पहली तो ज़रूर है, आखिरी नहीं है, हज़ारों जो जगहें बाकी हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और अभी मेरे साथ बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, उनसे, उनके माध्यम से, और वो भी करेंगे आप सबसे गुजारिश, पूरे देश के जितने भी एडहॉक टीचर्स हैं, खास तौर पे हमारे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं SC ST OBCs के, उनको सब काम छोड़ के आज ही सड़क पे आ जाना चाहिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पीसफुल प्रोटेस्ट में निकालना चाहिए। हज़ारों लाखों नौकरियाँ पड़ी हुई हैं खाली, जो उनका इंतज़ार कर रही हैं। ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, ये नॉट फाउंड एलिजिबल या सूटेबल नहीं है, दे आर नॉट सूटेबल। ये अपॉइंटिंग अथॉरिटीज उस जगह पे बैठने के लिए सूटेबल नहीं है। इनको हटा के हमारे लोगों को, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जब तक अपॉइंटिंग अथॉरिटीज पे नहीं बिठाया जाएगा, ये तो बाय एंड लार्ज नहीं, बाय डिफॉल्ट नॉट सूटेबल हैं। इनको जो इंटरव्यू लेते हैं वो अथॉरिटीज सारी नॉन सूटेबल हैं, जिस तरीके से इतनी सारी वैकेंसीज मौजूद हैं समाज में, हमारे हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज मौजूद हैं, उसमें हर रोज़ चोरी हो रही है, उसको 5 साल बाद 10 साल बाद दिखा दिया जाता है कि सिस्टम चरमराया जाएगा, इसलिए हम जनरल कैटेगरी के लोग ले लेंगे, ये बेईमानी है या चोरी है या डकैती है। SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग किसी भी दिन जनरल कैटेगरी के लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा केपेबल हैं, ज़्यादा, और ये डिबेट का विषय नहीं है। हमारे देश की जो स्थिति आज, वो इसीलिए कि 90% सीटों पर इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं, आप सबको पता है जनरल कैटेगरी के लोग बैठे हैं। रिजल्ट क्या है, हमारा देश ह्यूमन इंडेक्स पे, जो वर्ल्ड की सारे जितने सर्वे आते हैं, 150-200 में से 170-180
क्यों जाता है? क्योंकि 90% इनकॉम्पिटेंट लोग हर जगह बैठे हैं, और जो 80, 85, 87% लोग कॉम्पिटेंट हैं उन्हें सही जगहों पे नहीं जाने दिया जा रहा। बस मुझे इतना ही कहना था।